अच्छा, सो कैन यू ब्रीफली टेल योर टेक्निकल बैकग्राउंड? सर मैंने डिप्लोमा किया सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर डिप्लोमा किया है कहाँ से? ओके, लखनऊ से यूपी। सो यू डू नॉट हैव ए बीटेक डिग्री? नो सर ओके, सो विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? सर बीआरसी सर वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर सर कोलकाता। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BARC? यस सर स्टाइपेंडेड ट्रेनी सर पोस्ट के लिए। ओके, सो विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू गिव स्नैप? फ्लूड मैकेनिक्स। ओके, सो सर मुझे बताओ व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन सर एक ऐसा पाथ है फ्लो का जिसका हर एक पॉइंट उसकी वेलोसिटी उसका हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है उस फ्लो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। What is the difference between streamline, path line, and straight line? सर स्ट्रीमलाइन सर मैंने मुझे बताया सर स्ट्रीम लाइन स्ट्रिक लाइन होता है सर जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट पूरे पार्टिकल्स वहां से रेज करते हैं निकलते हैं वहां से। और मतलब सर पाथ लाइन होता है कि किसी एक पार्टिकुलर फ्लूड का पूरा जो पाथ स्ट्रक्चर होता है उसको हम पाथ लाइन बोलते हैं। पूरे फ्लूड का जो पाथ स्ट्रक्चर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर जैसे कोई पार्टिकुलर फ्लूड पर फ्लूड को हम फोकस करते हैं उस फ्लूड का पाथ होता है उसे हम पाथ लाइन बोलते हैं। और सर किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड्स निकलते हैं उसके पाथ को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और सर स्ट्रीम लाइन वो होता है जिसके पाथ पर जिसके पाथ के हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस फ्लो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। थोड़ा गलत बता रहे हो, और अभी पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन गलत बता रहे हो. ओके, नो इश्यूज. तो विच वन ऑफ दीज हैज टाइम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट? सॉरी सर विच वन ऑफ दीज स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीट लाइन हैज ए टाइम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट? क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे सर। स्ट्रीमलाइन. अच्छा, तुम्हें हिंदी में इंटरव्यू देना है, हिंदी में क्वेश्चन पूछूं? तो सर स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन में से टाइम हिस्ट्री किसके साथ एसोसिएटेड होती है? सर ये पढ़ा था कि स्टडी फ्लो की कंडीशन तीनों आइडेंटिकल होते हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है, बट कौन सा तुम्हें थ्रू आउट टाइम का डाटा देता है, कौन सा तुम्हें इंस्टेंटेनियस डाटा देता है वेलोसिटी का? सॉरी सर इसके वो आइडिया नहीं था इसके बारे में सर अच्छा, कोई ये सर पढ़ा नहीं थी। नहीं. अच्छा, तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड शियर स्ट्रेन रेट? सर लीनियर एंड शियर स्ट्रेन रेट सर इसका आइडिया पता नहीं सर नहीं आता. नहीं सर फर्स्ट टाइम सुना ये लीनियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन रेट तो तुम्हें सुनना होना चाहिए. व्हाट हाँ सर इज शियर स्ट्रेन तो शियर स्ट्रेन रेट क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे सर फ्लो करता है मतलब फ्लूड फ्लो करता है तो उसके डिस्टेंस के साथ पे जो उसका वेरिएशन होता है शियर जैसे न्यूटनियन फ्लो न्यूटनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो सर डी यू अपॉन डी वाई हमारा जो है शियर स्ट्रेन रेट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है डी यू अपॉन डी वाई। तो सर वहां पर जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ वाई डिस्टेंस के बढ़ने पर जो उसका वेरिएशन होता है वेलोसिटी का उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हमारा जो है डेप्थ बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी फ्लूड की। यस डेप्थ बढ़ता जाएगा सर सर जैसे हम वेलोसिटी. सर सपोज कोई रिवर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके सरफेस पर हम देखेंगे तो वहां पर जो है उसका वेलोसिटी
ज्यादा होगा, जैसे हम डेप्थ में जाएंगे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और क्यों बॉटम पे वेलोसिटी उसकी मिनिमम हो जाती है। ऐसा क्यों? सर उसमें विस्कोसिटी रोल प्ले करता है सर। अच्छा, तो व्हाट इज द नो स्लिप कंडीशन? सर व्हाट इज द नो स्लिप कंडीशन? नो स्लीप कंडीशन, सर नो स्लीप कंडीशन तो जहां पर विस्कोसिटी हमारी जीरो होती है उसे हम नो स्लीप कंडीशन बोलते जहाँ वेलोसिटी जीरो होती है। हैं। हाँ सर, विस्कोसिटी सर, विस्कोसिटी जहाँ विस्कोसिटी जीरो हो जाती है वो नो स्लिप हो सर। जाती है। अच्छा, तो लेट से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक कोई फ्लैट प्लेट है तुम्हारे पास, उस पर मैंने पानी बहाया, तो पानी जब फ्लैट प्लेट जो द लेयर ऑफ द फ्लूइड जो कि प्लेट के बिल्कुल नज़दीक है, राइट, यस तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। इलास्टिक जीरो सर, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं जो उसके सरफेस से कांटेक्ट में है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं उसकी इलास्टिक जीरो होगी, तो सर वहां पर उसको नो स्लिप तो कंडीशन। उसकी विस्कोसिटी जीरो कैसे होगी, वो समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कह रहे हो जहाँ विस्कोसिटी जीरो है वहाँ नो स्लिप है, सर जिसको विस्कोसिटी जो जीरो मतलब पानी फिर का। वहां पर बोलो। सर विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर्टी है फ्लूड की, तो इसको जीरो नहीं हो सकती है, बट रेजिस्टेंस फोर्स अगर जीरो वहां पे है मतलब उसके रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है तो उसका स्लिप जीरो वहां पर स्लिप नो स्लिप कंडीशन होगी। नहीं तो तुम अभी बोल रहे थे कि विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं सर, विस्कोसिटी जीरो तो आइडियल कंडीशन पर होती है बट रियल फ्लूड में विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती सर। लेकिन सर जैसे कि फ्लूड और जो सरफेस कांटेक्ट है उसके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उसे हम नो स्लिप कंडीशन बोलेंगे। सर अच्छा, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है? बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं कि अगर किसी पाइप में कोई इनविस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसकी सभी एनर्जीज का समेशन जो है जीरो कॉन्स्टेंट होता है। सिर्फ पाइप में? सर किसी भी पाइप में अगर इनविस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके हर एक पॉइंट पर उसके सभी एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहता सिर्फ पाइप में ही, और कहीं नहीं हो सकता? है। नहीं सर कहीं भी हो सकता है सर, जहाँ पर फ्लूड फ्लो कर रहा है सर वहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है ये। सर हम हाँ, तो एजम्पन्स लेके कौन चलते हैं पाइप के लिए। कौन से सम ऑफ एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं? सर यहाँ पर प्रेशर एनर्जी और प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम पोटेंशियल हेड। सो व्हाट इज द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज कॉल्ड? इसको बोलते पिटोट सर, पीजोमेट्रिक हेड सर, थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा था इस चीज को। पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। सर पीजोमेट्रिक हेड सर कल प्रेशर हेड और डेटम हेड को बोलते हैं, पिटोट पिटोट ट्यूब हेड बोलते हैं सर इसको, तीनों का समझना को। पिटोट ट्यूब हेड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज कोई कोई टर्म बनता होगा, उसको क्या बोलते हैं? सर, इसका नाम सर वही पिटोट ट्यूब हेड बोलते हैं सर, इसका पूरा समेशन तीनों का एक साथ। अच्छा, तुमने स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सुना है? हाँ सर सुना क्या होता है वो? सर इसका सर जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है अगर उसमें किसी लिक्विड में उसको डाला जाता है तो उस पर एक उसके इसका फॉर्मूला समय जो नहीं, पढ़ा है फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं, जी। मतलब बताओ। सर कोई स्फेरिकल बॉडी अगर किसी लिक्विड में उसको हम डालते हैं तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स काम करता है
और एक थ्रस्ट फोर्स और स्टोक्स फोर्स ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और उसका बॉडी का जो वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो फिर इसको जब बैलेंस करते हैं तो हमारा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम स्टोक्स वेलोसिटी बोलते हैं। सर दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, थ्रस्ट फोर्स और स्टोक फोर्स, और डाउनवर्ड में उसका वेट एक्ट करेगा। ठीक है रवि, आई विल कंक्लूड योर इंटरव्यू। तो ओके कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है सर इंटरव्यू का। बार्क में किसका इंटरव्यू दे रहे हो तुम? सर स्टाइपेंड ट्रेनिंग का। ट्रेनी का? तो वो तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज जो गेट के बाद बार्क का देते हैं, राइट? नहीं सर, ये डिप्लोमा से होता है, डिप्लोमा के बाद है। अच्छा, डिप्लोमा के बाद है। ओके, तो सर ठीक है रवि, राइट नाउ मैं ये बोलूँगा कि बेसिक तुम्हारा ठीक है, ख़राब नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कुछ क्वेश्चन ठीक बता रहे हो, कुछ क्वेश्चन गलत का तुम्हें आइडिया नहीं है। जैसे स्ट्रीक लाइन थोड़ा गलत बता रहे थे, ठीक है? ये तो किसी भी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, दोबारा से देखोगे अगर, ठीक है? पाथ लाइन तुम्हें एक ही पार्टिकल का हम थ्रू आउट द टाइम, वन पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड थ्रू आउट द टाइम हम ट्रेस करते हैं, राइट? उसको पाथ लाइन बोलते हैं। तो इसलिए जो मैं पूछ रहा था कि इन तीनों में से टाइम हिस्ट्री किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो पाथ लाइन होता है। स्ट्रीक लाइन के साथ भी टाइम हिस्ट्री एसोसिएटेड होती है, बट सबसे ज्यादा पाथ लाइन के साथ होती है। फिर मैं पूछ रहा था कि लीनियर और शियर स्ट्रेन रेट्स का सिग्निफिकेंस पूछ रहा था। तो जैसे शियर स्ट्रेन रेट का तुम कुछ बता रहे थे कि लीनियर स्ट्रेन रेट जो है वो काम आता है इनकॉम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूइड बताने के लिए, ठीक है ना? जब भी कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव हो रहा है तो उस पर चार प्रकार के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है? उनमें से ये दो जो हैं वो लीनियर और शियर स्ट्रेन रेट्स हैं। काइनेमेटिक्स में आता है ये फ्लूड फ्लो के। फिर मैं बर्नौली में तुम्हें पूछ रहा था कि इन तीनों तीनों एनर्जीज के सम को क्या बोलते हैं, तो दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? मैंने काफी आसान क्वेश्चन पूछे आज, क्योंकि तुम पहली बार आए हो एंड अब बार्क का तुम्हें आफ्टर डिप्लोमा वाला दे रहे हो तुम। तो आई डोंट नो कि डिप्लोमा का जो लेवल है वो डिग्री वाला ही फ्लूइड मैकेनिक्स तुम्हें पढ़ाया जाता है कि उससे कम वाला पढ़ाया जाता है। नहीं सर, डिप्लोमा का लेवल सर थोड़ा सा डाउनलोड होता है बीटेक में। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अगर इफ़ यू हैव टाइम तो तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अच्छा टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए जो बीटेक में पढ़ाया जाता है, ठीक है? लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स बाय सेंजल, उसको जरूर फॉलो करो, ठीक है? तो थोड़ा और सर सर कौन कौन से टॉपिक सर देखने होंगे सर? बुक्स तो है मेरे पास, लेकिन सर वो कवर अप करना सर इतना टाइम तो सर अभी नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू डेट तो आएगी, जल्दी ही आ जाएगा। तो किस तो टॉपिक पे आई फोकस वुड करना चाहते हैं? फोकस तुम्हें काइनेमेटिक्स पे, फ्लूइड डायनेमिक्स पे और विस्कस फ्लोज पे, विस्कस फ्लोज एंड बाउंड्री लेयर फ्लोज, इन चारों पे जरूर तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है? और अगर ये तो इस इंटरव्यू के लिए हो गया, आगे आने वाले इंटरव्यूज में के लिए तुम पूरा ही फॉलो कर सकते हो, पूरा बुक फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यू कैन आल्सो सर लिसन टू सम ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स स्नैप्स अपलोडेड ऑन द पैनल, वो भी हेल्प करेंगे। सर जैसे मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट में इसको रखना चाहता हूँ सर, तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैं इसी तरह से फॉलो करूंगा क्या, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और स्टॉर्म हो गया, हाँ, इन सारे सब्जेक्ट्स को? सभी को फॉलो करो, वहां से ओके बुक से ही फॉलो करो, बुक से ही इंटरव्यू की तैयारी होती है, ठीक है? ऑल द बेस्ट रवि, ओके सर, ऑल द ओके थैंक बेस्ट। यू सर।